समाचार मूवीज 360 एक्सप्लेन और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मैको को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम एक इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल देखते हैं जहां बेस्ट फॉरेन फीचर डॉक्यूमेंट्री की नॉमिनेशन चल रही थी और ये अवार्ड इजिप्ट से राना भागत को मिलता है और वो ये अवार्ड पाकर बहुत खुश होती है और बताती है कि वो इस अवार्ड के लिए 10 साल से मेहनत कर रही है और फिर वो अपनी फैमिली पार्टनर्स और अपने हस्बैंड चेरी का शुक्रिया अदा करती है। पर तभी हमें पता चलता है कि प्रेजेंटर ने गलत एनवेलप ओपन कर दिया था और ये अवार्ड राना को नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री को मिलता है। अब राना ऊपर ऊपर से तो खुश दिखाई देती है पर अंदर से वो गुस्से में होती है और ये हम उनके शो से वापस जाते हुए भी समझ जाते हैं और घर आकर भी राना शेरी से कोई बात नहीं करती। अब इस इंसिडेंट के बाद से राना सही से सो भी नहीं पाती और वो अपनी टीम को कॉन्टैक्ट करके उन्हें अलग आइडियाज पर डॉक्यूमेंट्री पर काम करने का कहती है। अब अगले दिन हम राना के ऑफिस में उसकी मैनेजर माया को देखते हैं जो क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू ले रही होती है और इसके पास एक कैंडिडेट गाराम आती है जो अपने बारे में बताती है कि उसे सब कुछ याद रहता है और माया की डेस्क पर जो बुक्स है उसे वो भी याद है। जिस पर माया बुक खोल कर बीच में से ही पढ़ना शुरू कर देती है तो गाराम उसके आगे का खुद से पढ़ती है जिस पर माया उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अब नेक्स्ट डे से राना भी ऑफिस आ जाती है और कुछ देर बाद गरम भी वहाँ आ जाती है और माया सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर उसे टीम से इंट्रोड्यूस कराती है जिसमें उनका क्रिएटिव हेड तैमूर फाहमी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जैद फाहमी और कैमरामैन खालिद शामिल होते हैं। अब कुछ देर बाद तैमूर डॉक्यूमेंट्री के आइडिया शेयर करने लगता है और तभी वहाँ शेरी भी आ जाता है जो यहाँ का DOP था। अब तैमूर राना को क्रिएटर्स और एलियंस के टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्री के आइडियाज देता है लेकिन राना को इनमें से कोई भी सही नहीं लगता। तब माया गैरम को कोई आइडिया देने को कहती है तो गैरम उन्हें सैलम एक्सप्रेस का बताती है, एक ऐसा शिप जो 1991 में डूब गया था और 600 में से बस 100 लोग ही जिंदा बच पाए थे और उस जगह से कोई भी शिप नहीं गुजरता और ना ही किसी ने वहाँ की अब तक कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब राना को गैरम का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो सबको इसी पर वर्किंग करने का कहती है। वहीं ऑफिस में जैद माया से डिस्कशन कर रहा होता है कि वो राना से उसकी और उसके भाई तैमूर की कुछ ज्यादा ही कंप्लेंट्स कर रही है जिस पर माया उसे कहती है कि अगर उसने राना को तुम्हारी ऑफिस में ड्रग्स लेने की आदत बता दी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। फिर अगले सीन में हम राना को ऑफिस में देखते हैं और वो शेरी को मैसेज करके शो वाले दिन के लिए सॉरी करती है और वो वहीं सो जाती है। अब जब वो सुबह उठती है तो शेरी उसके पास ही होता है और फिर राना सब भूल कर उसे फिर से बैचअप कर लेती है और उसे अवार्ड मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राना की टीम ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, बस एक प्रॉब्लम बीच में आ रही थी कि उन्हें वहाँ डाइविंग करने का परमिट नहीं मिल रहा था। इस पर माया मुराद का नाम मेंशन करती है कि वो इल्लीगल कामों में माहिर है, वो हमें वहाँ ले जा सकता है। अब अगले दिन वो लोग मुराद के डाइविंग सेंटर पहुँच जाते हैं, फिर मुराद की असिस्टेंट आसिया उन्हें डाइविंग के बारे में गाइड करने लगती है और ये भी बताती है कि वहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्रीज होगा, अगर उन्हें जल्दी नहीं तो वो एक मंथ तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन राना को डॉक्यूमेंट्री शूट करने की जल्दी थी। फिर आसिया ये भी बताती है कि ज्यादा देर समंदर की गहराई में रहने से वो लोग हैलुसिनेट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपना काम जल्द करके निकलना होगा। अब वो लोग उस जगह जाने के लिए सुबह ही निकल जाते हैं और गहरे पानी में उन्हें ले जाने के लिए एक अलग बोट थी। फिर वो सभी उस बोट पर चढ़ जाते हैं और गहरे पानी की तरफ जाने लगते हैं। अब हम उसी शिप के पास कुछ फिशरमैन को इल्लीगल शार्क का शिकार करता देखते हैं। अब कुछ ही देर बाद वहाँ शार्क्स आ जाती हैं और एक मैको शार्क उनके जाल में फंस जाती है जिसे वो फौरन ही अपनी बोट पर ले आते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वहाँ राना की टीम भी पहुँच जाती है। फिर मुराद रस्सी लेकर उस डूबे हुए शिप से बांध देता है ताकि बाकी लोग आराम से शिप तक पहुँच जाएं। वहीं शिप पर माया की हालत खराब होने लगती है तो वो वहीं शिप पर रुक जाती है और बाकी लोग रेडी होकर रस्सी की मदद से शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर मुराद सबको अपने एयर गेज चेक करने को कहता है और बताता है कि सबके 200 बार होंगे और जब 50 बार रह जाएं तब हमें निकलना होगा। अब कुछ ही देर में वो सब शिप के पास पहुंच जाते हैं और खालिद अपने कैमरा से सब रिकॉर्ड करने लगता है और वहीं गारम शिप को देखकर उदास लगने लगती है। अब मुराद वहाँ सबको इंस्ट्रक्शंस देने लगता है पर जैद उसकी नहीं सुनता और ड्रग्स लेने की वजह से बहकी बहकी बातें करने लगता है जिसमें मुराद को गुस्सा आने लगता है और वो डाइव कैंसिल करने की बात करता है। पर तभी वहाँ घूम रही एक शार्क कहती है कि ऐसे कैसे और वो फुल स्पीड में मुराद पर अटैक करके उसे मार डालती है। अब ये देखते ही सब लोग डर जाते हैं और शिप के अंदर छुपने लगते हैं और इस चक्कर में सब अलग अलग हो जाते हैं और शार्क उनका बाहर वेट करने लगती है। वहीं आसिया मुराद की मौत से बहुत दुखी हो जाती है पर वो खुद को संभालती है और सबको एक जगह जमा होने का कहती है। अब कुछ देर बाद आसिया को खालिद मिल जाता है। अब डायबिटिक पेशेंट होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो होने लगा था तो आसिया उसे एक जगह बिठाती है और बाकियों को ढूंढने निकल जाती है।
अब शिप के अंदर ही गारम, जैद और तैमूर साथ ही थे, पर गारम अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और तैमूर को टेंशन होने लगती है, पर गारम खुद ही उनसे अलग हुई थी और वो शिप के अंदर कुछ ढूंढने लगती है। वहीं शेरी और राणा एक जगह फंस गए थे और अंदर जाने का एक ही रास्ता था जो बंद था, तो शेरी उसे खोलने लगता है, पर राणा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि आसिया ने किसी भी डोर को खोलने से मना किया था। पर शेरी उसकी नहीं सुनता और दोनों को बचाने के लिए उस डोर को खोलने लगता है। फिर वो डोर को थोड़ा खोलने में कामयाब हो जाता है और राणा को उससे निकाल देता है, पर जब वो खुद निकलने लगता है तो डोर जगह जगह से गल चुका था और वो टूटकर शेरी के पांव पर गिर जाता है और उसका पांव वहीं दब जाता है। अब राणा उस डोर को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हटता, तो शेरी उसे दूसरों को बुलाने का कहता है। अब राणा आगे बढ़ने लगती है कि तभी वो बाहर शार्क को देखकर डर के छुप जाती है, और जैसे ही वो विंडो से देखती है शार्क उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो शिप के अंदर नहीं आ पाती। दूसरी तरफ बोट पर माया सॉन्ग चलाकर पानी में एंजॉय कर रही होती है और वहीं बोट का वर्कर बशीर अपने खतरनाक डांस मूव्स दिखाने लगता है जिसे तंग आकर शार्क खुद उसे रोकने आ जाती है। अब शार्क को देखते हैं कैप्टन शेख कोस्ट गार्ड्स को कॉल करने लगता है लेकिन बशीर उसे रोक देता है क्योंकि वो यहाँ इल्लीगल आए हैं तो सबको जेल जाना पड़ जाएगा। वहीं शिप में राणा को कोई नहीं मिलता तो वो वापस से शेरी के पास आ जाती है जहाँ कुछ देर में उन्हें ढूंढते हुए आसिया भी पहुंच जाती है और वो राणा को साथ चलने का कहती है क्योंकि खालिद की तबीयत भी सही नहीं और सबको ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, तो वो उन दोनों को ऊपर छोड़कर शेरी के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक ले आएगी, पर राणा उसके साथ नहीं चलती और वहीं शेरी के पास ही रह जाती है। दूसरी तरफ जैद और तैमूर को खालिद अनकॉन्शियस हालत में मिल जाता है और जैद जब उसका एयर गेज चेक करता है तो उसका 170 बार था और बाकी सबका 50 बार के करीब था, जिससे वो समझ जाता है कि खालिद डायबिटिक कोमा में चला गया है और हम उसे नहीं बचा सकते तो उसका ऑक्सीजन टैंक हम यूज कर लेते हैं, पर तैमूर उस पर गुस्सा करता है और ऐसा करने से रोकता है और उसे यहाँ से चलकर दूसरों को ढूंढने का कहता है। अब साथ चलते चलते तैमूर अपनी बातों से जैद को पकाने लग जाता है जिस पर जैद अलग अलग होकर दूसरों को ढूंढने का मशवरा देता है। वहीं अब आसिया खालिद को लेने आती है तो उसे वो अपनी जगह पर नहीं मिलता। फिर आसिया बाहर देखने लगती है और उसे जब शार्क दिखाई नहीं देती तो वो शेरी के लिए टैंक लेने ऊपर आ जाती है और टैंक लेकर फौरन शिप की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ शेरी राणा को बोट पर जाने का कहता है क्योंकि कुछ देर में उसको ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, पर राणा उसे छोड़कर जाने का राजी नहीं होती और शेरी को पता था कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो खुद को ऑक्सीजन बंद कर देता है और खुद को मार डालता है ताकि राणा उसे छोड़कर यहाँ से निकल सके। अब तभी वहाँ जैद और तैमूर भी पहुँच जाते हैं, वो देखते हैं कि शेरी मर चुका है तो वो राणा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं अब गारम भी उस जगह को ढूंढ लेती है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब गारम छोटी थी तब वो इसी शिप में थी और जब ये शिप डूबने लगा था तो उसकी मॉम एक रूम में फंस गई थी और उसके डैड उसे सेफ्टी तक पहुंचाकर मॉम को लेने जाते हैं। अब गारम उस रूम को नहीं खोल पाती तो वो बाहर से रूम के अंदर देखने लगती है और हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं शिप डूबने से पहले का, जिसमें उसके डैड किसी काम से बाहर जाने लगते हैं और वो गारम को रूम लॉक रखने का कहते हैं। अब उसकी मॉम सो रही थी तो गारम खेलने के लिए बाहर निकल जाती है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, पर इस वजह से उसने शिप के हादसे में अपने पेरेंट्स को खो ही दिया था और तब से वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मान रही थी और वो दुआ करती है कि काश वो भी उनके साथ यही मारी जाती और तभी उसकी दुआ कबूल हो जाती है और शार्क उसे वहीं मार डालती है। वहीं अब आसिया ऑक्सीजन टैंक लेकर पहुंच जाती है, जब उसे शेरी का पता चलता है तो वो उस टैंक को आपस में यूज करके ऊपर जाने का कहती है क्योंकि सबका ऑक्सीजन अब बहुत कम था, पर जैद वो टैंक खुद उठा लेता है और उसे शेयर करने से मना करता है क्योंकि वो सब यहाँ राणा की वजह से फंसे हैं तो वो उसकी वजह से शार्क का शिकार नहीं बनना चाहता। अब आसिया उसे टैंक खुद के पास रखने का कहती है और बताती है कि उसके पास अभी भी 50 बार्स हैं और राणा के पास 10। फिर वो तैमूर से पूछती है तो वो टाला मटोली करता है और बताता नहीं, तो आसिया जबरदस्ती चेक करती है तो उसके 120 बार्स थे। अब ये देखकर जैद हैरान हो जाता है और जब देखता है तो उसने खालिद का टैंक पहना हुआ था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब जैद और तैमूर अलग हो गए थे, तब तैमूर वापस खालिद के पास आ गया था और अपना ऑक्सीजन टैंक उससे एक्सचेंज कर लिया था और उसे बचाने के लिए तैमूर ने उसे ऊपर भेजना चाहा लेकिन शार्क ने उसे घेर लिया और उस पर अटैक कर दिया। अब जैद अपने भाई की इस हरकत पर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो खुद को बुरा समझ रहा था लेकिन यहाँ तो सभी बुरे हैं। फिर वो गुस्से में तैमूर को धक्का दे देता है और गलती से एक रॉड उसे जख्मी कर देती है। अभी देखकर आसिया उन सबको यहाँ से निकलने का कहती है वरना ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो भी सब मारे जाएंगे, इसीलिए वो सब शिप से बाहर आ जाते हैं और अलग अलग होकर स्विम करने लगते हैं और तैमूर को आसिया ले जाने लगती है, पर तभी बीच में ही शार्क जैद पर अटैक कर देती है और वहीं तैमूर भी खून बह जाने की वजह से मारा जाता है और शार्क उसे भी मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक साल बाद उसी अवार्ड शो को देखते हैं जहां राणा ने सालेम एक्सप्रेस पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर अवार्ड जीत लिया था, पर उस हादसे में उसने अपने एक हाथ के साथ सभी साथियों को भी खो दिया था और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।
तो गाइस आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें, और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।